रिश्तों को ऐसी हॉबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और उनका नुकसान भी नहीं होने देती। इंसान कभी किसी के लिए इतना जरूरी भी नहीं होता जितना वो गुमान कर लेता है। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो एहसास मोहब्बत उनमें भी नजर आती है। जो अल्लाह पाक के दिए को काफी समझते हैं वो जिंदगी में कभी मुख्ताज नहीं होते। आसमान का हुसन तारों से है और औरत का हुसन बालों से। जब भी कोई उदासी और परेशानी हो तो अल्लाह ताला से दुआ किया करो। अपनी रूह को अल्लाह का जिक्र सुनाया करो, तुम्हारा वजूद दिन ब दिन निखरता चला जाएगा। कभी गम ना करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश रहना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। माफी वो दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान अंदर ही अंदर बदले की आग में जलते रहते हैं। दिलों में फर्क आ जाए तो याद रखना दलीलें मिन्नतें और फलसफे बेकार हो जाते हैं। रिश्ता वही कामयाब होता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। बहुत से रिश्ते खत्म होने की एक बड़ी वजह ये होती है कि एक से ही बोल नहीं पाता और दूसरा से ही समझ नहीं पाता। जवानी में तोहमत यूं लगती है जैसे बुढ़ापे में खांसी लगती है। बगैर शर्त के मोहब्बत करना, बगैर वजह के बात करना, बगैर वजह के फयाज होना, बगैर तवक्को के परवाह करना, ये सच्ची मोहब्बत की रूह है।